हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये आज आज के साथ कोई रेस्पी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मैं आज अपनी इंजॉयमेंट जो मैं तफरीक की आज मैंने आपके साथ वो शेयर करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप नाम भी लिखा और सुना होगा, मैं आज आई हूँ होटल अल अजीज, क्योंकि मेरे छोटे बेटे की बर्थडे थी तो हमने आज प्रोग्राम बनाया क्योंकि बाहर क्यों ना बाहर ही चले और खाना खाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मचाई राशे, ये देखिए मैं अंदर हो रही हूँ अंदर, यहाँ पे ये देखिए ब्रोस्ट बन रहा है, बहुत टेस्टी, मेरा फेवरेट, मैं जब भी आती थी ये लाजमी खाती हूँ। और ये बिरयानी का है, बिरयानी इनकी बहुत स्पाइसी, टेस्टी और मज़ेदार होती है। माशाल्लाह बहुत बड़ा होटल है, तो बहुत ही पुराना होटल है, जब से मैं इधर आ रही हूँ मुझे इसी का खाना पसंद है। हालाँकि हमारे पास श्याम सारे कुछ, लेकिन उधर का भी खाना खाया जो इस होटल का खाना है, कहीं इसका जायका नहीं मुझे मिला। ये देखें तकरीबन सारा होटल आपके सामने है, मैं दिखा रही हूँ। इधर इनकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, इनकी सर्विंग बहुत अच्छी है और इनका सफाई जो है ना बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो ये अब हम एंटर हो रहे जा रही है अंदर को, हमने जा पाई थी ऊपर को। इनका जो बेसमेंट है उधर तो बिल्कुल ही ऐसा है कि ओपन एरिया है, तो हम तो कैबिन ज़्यादा रूम बने हुए उधर जाते हैं, तो उसी में जाकर हम ऐड होंगे। अब जाएँगे जैसे कि ये देखिए आपको दिखाती जाती है, बुकिंग की बहुत ज़्यादा है, बुकिंग की वजह से हमें सीट नहीं मिलती, हमें वेट करना पड़ रहा है, तो इसलिए बाहर ही थी, सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँ अपनी कि हम आज क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। मैंने अपना व्लॉग बनाया ये ताकि आपके साथ शेयर करूँ, साथ में अब आपके साथ शेयरिंग भी कहा था मैंने, शेयरिंग करूँगी इंशाल्लाह, हर चीज़ बताऊँगी आपको। ये देखिए इनकी जो ऊपर ये फिशिंग बहुत ज़बरदस्त फिश है, बहुत बड़ी बड़ी फिशेज है, मुझे बहुत आई लव फिश, इसलिए बहुत प्यारा इनका बना हुआ है ये ग्रोप, और इनका जो जार है बहुत बड़ा है, इतनी प्यारी और गुड लुकिंग सी फिश है। बहुत कम हो गई, पहले जब आई थी बहुत ज़्यादा थी, तो अब तो बिल्कुल ही कम हो गई है, लेकिन बड़ी बड़ी रह गई, अच्छी हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा ना, तो मौसम के तसरात के हिसाब से वो फिर होती हैं। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि होटल अंदर से बहुत प्यारा और अच्छा है, आप भी आइएगा इंशाल्लाह। जो हमारे करीब जो फैसलाबाद के ये समुंदरी रोड के ऊपर है, पता होगा आपको, जिनको नहीं भी पता वो विज़िट करें, बहुत ही अच्छा है ये होटल, इसका खाना बहुत टेस्टी है। ये देखें ये फिश बहुत प्यारी है, ये देखो वाइट कलर की, इतनी यूनिक सी है माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही पसंद फिश है। मैं कहती हूँ थोड़ी सी जगह हो फिश का ज्यादा रखने पर ऐसा तो बहुत प्यारी लगती है, हाफ सो रही और हाफ जाग रही है हमारी तरह, दिन को सोना रात को जागना, दिन को रात को सोना दिन को जागना, इनका भी यही आ गई है। देखिए इनका ये सब वेटर वेटिंग पे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह हमें रूम अब मिल गया है, एसी रूम में इनके हर तरफ एसी लगा, पूरे सुकून के साथ हम खाना खा सकते हैं। ठीक है, ये देखें हर जगह हमारे, ये देखें इधर बच्चे हैं, ये मेरा छोटा बेबी है, इसकी हैप्पी बर्थडे, बहुत शरारती और बहुत नटखटा सा है, बाय बाय करो। ये देखें ये बाय बाय भी इसने बहन से सुबह आपकी एक बात बताऊँ, ये इसने बर्थडे की अपनी मेहंदी लगवाई, मुझे सिस्टर अपनी तरह की लगा के दो। ये देखें इनका अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, साफ वाटर जो इनका वाटर है, वाटर मिनरल वाटर की तरह है, जो इनका खुद का होता है। ये वेटर आया, अब हम इनको ऑर्डर देने लगे, मैं बताने लगी क्या खाना क्या नहीं, तो अब हम ऑर्डर दे रहे हैं क्या खाना है। लगभग मैंने जो जो मंगवाया अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ क्या मंगवाना है आपके सामने है, सोच रहे हैं कुछ और, कोई कह रहा है कबाब मंगवाएं, कोई कह रहा है ब्रोस्ट मंगवाएं, ये जेलफेज मंगवाएं, कोई कह रहा है ये चिकन कढ़ाई मंगवाएं। अब आपके सामने मैं बता रही हूँ क्या करना, मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें ही मंगवा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, खाया जाएगा माशाल्लाह अपनी लिमिट के हिसाब से। तो ये देखें सबसे पहले मैंने ऑर्डर दिया है सीख कबाब का, ठीक है, सीख कबाब का मैंने दिया, और मैंने चिकन कढ़ाई का हाफ कढ़ाई चिकन दी है मैंने ऑर्डर, और जेलफ्रेज का दिया, और एक सैलड रहता था वो भी आ गया। ये देखिए फर्स्ट टाइम हमारा जो स्टार्ट होना लगा वो ये पहले रायता सलाद आ गया है, अब हमारा ऑर्डर कम्प्लीट मेरा ख्याल 15-20 मिनट तक आएगा, उसके बाद हम उसको खाएँगे, आने के बाद फ़ौरन खाएँगे, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर, तकरीबन आने वाला है माशाल्लाह। हमारा ऑर्डर भी आ गया, जैसे कि आपसे कहा था जो जो कह रहे सारे, मैंने सारी चीज़ें मंगवा ली, हमने मेरे हस्बैंड ने कहते सारी मंगवाओ, तो मैंने कहा चलो फिर देखा जाएगा। ये देखे मैंने जेलफ्रेजी ब्रोस्ट और ये कबाब सीख कबाब मंगवाए और ये चिकन कढ़ाई मंगवाई, ठीक है। ब्रोस्ट मेरा इधर का बहुत फेवरेट है, आप भी ये खाइएगा देखना, बहुत टेस्टी, इनकी लुकिंग देखे
साथ फ्राइज़ होते हैं, ब्रोस्ट और या इनकी अपनी ही पैकिंग होती है रायते की और केचप की, बहुत अच्छी होती है। खाना हमने खा लिया, शॉर्टकट मूवी बनाई मैंने, तो इसके बाद ये देखे हमने ये आइसक्रीम मंगवाई है, वो आइसक्रीम खाने लगे मज़े से। जी जनाब मज़े से आइसक्रीम। मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा है, इसकी बर्थडे थी, अब आइसक्रीम हम स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, अब हमने खाना खा लिया, हम वापस जा रहे हैं होटल से, और वो भी मैं आपको बताती जाऊँ। जैसे जैसे हम वापस जा रहे हैं आपको बता दिया, अब हम बाय बाय करने लगे हैं। और वापस देखे कितना प्यारा इनका साफ सुथरा माहौल है, बहुत ही मज़ेदार है इनका खाना है। इनकी स्मेल सुन आते ही अंदर स्मेल दिमाग घूम जाता है कि जल्दी जल्दी खा लें, तो टाइम बहुत लगता है इधर, लेकिन मज़ा है। तो ये देखिए वापस जाने का हमारा रास्ता, अब जा रहे हैं हम जाए, जैसे जैसे आपको बता रहे हैं। मैंने आपके साथ थोड़ी सी ब्लॉग अपना शेयर किया, इसको पसंद आया तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो ये देखें जैसे जैसे आए थे वैसे हम जा रहे हैं, सबकी मैं दोबारा बता रही हूँ। ये देखें किसी भी वगैरह बढ़ते ही बेटा कह रहा था थोड़ा सा मामा, मैंने कहना मैंने कहा आ जाओ, तो थोड़ी सी साथ ही बना ली मैंने, क्योंकि उसने जो कहना वो करना है। उसकी आज बर्थडे, हम तो अपने बच्चों की बर्थडे जो दिन होता है सारा उन्हीं के नाम होता है, उस दिन हमने कुछ नहीं उनको कहना ना करना है, ठीक है। अच्छी बात है अपने बच्चों के साथ इतना थोड़ा सा तफरी किया कि ये बच्चों के और पास क्या होता है, स्कूल गाड़ी और कोई फंक्शन ही ना, कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा ही है जो कर सके। ये देखें छोटा सा दोस्त हमारा बन गया है, इसको कबूल कीजिएगा। ये यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम बाहर जा रहे हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आप पे रहमत करे, हम सब करे, सब पे करे, अल्लाह सबकी लंबी उम्र के दे, उनके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, और मेरे बेटे को भी लंबी उम्र जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। मिलते नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।